हेलो स्टूडेंट्स, तो हिंदी में देखो सिलेबस जो है देख लेते हैं एक बार। अभी तक देखो हमने अलंकार, ठीक है, और संधि, पत्र लेखन, और जो ये हिंदी मीडिया है, संचार मीडिया, ये करवाया है, ठीक है। अभी हमने इसके पहले पर्यायवाची करवाया कल तक, तो अभी हमारा टॉपिक ये चल रहा है शब्द भंडार। तो इसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आगत, है ना, आगत कहा जाता है, एकार्थी, अनेकार्थी, विपरीतार्थी, समानार्थी, पर्यायवाची, इनका अध्ययन होगा। तो पर्यायवाची का हमने कर लिया, तो आज हम दो दिन हम करेंगे विलोमार्थी का अध्ययन, ठीक है। इसके बाद तत्सम, तद्भव, ये पूरा टॉपिक शब्द भंडार का हमें खत्म करना है। तो आज देख लेते हैं विलोमार्थी, ठीक है, विलोम शब्द। तो देखो विलोम शब्दों को विपर्याय शब्द भी कहा जाता है। वे शब्द जो आपस में विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का विपरीत अर्थ आता है दिन में, ठीक है, और दिन का रात में, तो ये एक दूसरे के क्या है, विलोमार्थी। अब महत्वपूर्ण विलोमार्थी शब्द देख लेते हैं। अज्ञ का होता है विज्ञ, ठीक है। नेक्स्ट है अभिज्ञ, अनभिज्ञ, फिर है अल्पज्ञ, बहुज्ञ। अल्पज्ञ मतलब जिसको कम ज्ञान है, अब बहुज्ञ मतलब जिसको बहुत ज्ञान है। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब क्या होता है, हटाना, किसी चीज को कम करना, तो रोपण हो जाएगा इसका। अग्र, ठीक है, इसका हो जाता है पश्च, ठीक है, आगे पीछे। फिर अनुलोम, इसका होता है प्रतिलोम। अगला शब्द है अनुरक्ति, किसी चीज में मन लग जाता है तो उसको बोलते हैं अनुरक्ति, और इसका उल्टा क्या होता है, विरक्ति, विरक्ति का भाव, है ना, मन हट गया है किसी चीज से। फिर है आग्रह का होता है दुराग्रह, है ना, तो आग्रह होता है देखो पॉजिटिव, और दुराग्रह नेगेटिव, किसी गलत काम के लिए किसी को हम जब बोलते हैं तो वो दुराग्रह है। फिर होता है आवर्त, आवर्त मतलब होता है ढकावा। फिर है अनावृत, यानी जो ढकावा नहीं है, तो अनावृत हो गया आवर्त का। फिर है आकुंचन, आकुंचन मतलब होता है इकट्ठा करना, केंद्रित करना, तो आकुंचन का विपरीत क्या होगा, प्रसारण, फैलाना, ठीक है। नेक्स्ट है आदिष्ट, इसका होता है निषिद्ध, रोकना, ठीक है, तो रोकने का उल्टा क्या होगा, विहित, मतलब तो विहित भी हो सकता है इसका, या आदिष्ट, किसी चीज को खोल देना, काम को करना। आगे आलोक, आलोक का मतलब होता है उजाला, प्रकाश, तो इसका क्या हो जाएगा, अंधकार, है ना, तिमिर। नेक्स्ट वर्ड है रिजु, तो रिजु का मतलब होता है सीधा, सरल, इसका उल्टा क्या होगा, फिर विपरीत हो गया, वक्र, तिरछा, टेढ़ा। अगला है उर्वर, उर्वर मतलब उपजाऊ, फिर इसका होता है अनुर्वर, यानी बंजर, ठीक है। फिर है उपसर्ग, जो शब्द के आगे लगे, तो फिर इसका उल्टा क्या होगा, जो शब्द के पीछे लगे, प्रत्यय। फिर है कलुष, निष्कलुष, संकीर्ण, इसका होता है विस्तीर्ण, विस्तार। स्थावर, स्थावर होता है जो एक ही जगह रहे, जो स्थाई है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जंगम, जंगम किसे बोलते हैं, चलायमान, जो चलता है, फिरता रहे। अगला है राग, इसका हो जाता है द्वेष, राग द्वेष। सर्जन, कुछ बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। ध्वंस, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, ठीक है। अगला है मूक, यानी साइलेंट, वाचाल, जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। फिर है निषिद्ध, विहित। संत, असंत। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा। अनुग्रह, विग्रह, ठीक है। अगम का विलोम शब्द क्या होता है, गम, जागृति का सुषुप्ति होता है, ठीक है। अभी चार पांच और रह गए। अर्पित का होता है ग्रहित, अर्पण कर देना, दे देना, ग्रहित, ग्रहण करना, बुलाना। आविर्भाव, तिरोभाव। उत्कृष्ट, निकृष्ट। उत्तरार्ध, पूर्वार्ध, ठीक है। फिर है कृतज्ञ, किसी का एहसान मानना, कृतघ्न, जो एहसान न माने। और लास्ट है रूढ़िवादी, जो पुराने सोच विचारों को मानता है, परंपराओं को, और स्वच्छंदवादी, जो कुछ नहीं मानता है, नियम कानून, ठीक है। तो कल हम और महत्वपूर्ण करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे हुए विलोम शब्द, और उनको, ठीक है, ख़त्म कर देंगे। धन्यवाद।